बाद में जयपुर के एक सुप्रसिद्ध मंदिर खोलेगन मान जी में आते, पर वो मंदिर आप दिखा दीजिए, देखिए वो झंडा वहां पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे हमको चलना है। और पहले हमारी हालत जो है खराब होती, फिर अभी तो और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है वहां तक, जो हनुमान जी का नाम है वो उसी की वजह से रखा गया है। कोशिश करते हैं, ये जा रहा है वैष्णो देवी के, और ये जंगल में अंदर जा रहा है। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हुलो कुजागर। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ जयपुर के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में जिसका नाम है कोले के हनुमान जी। जी आज मैं आपको इस मंदिर का पूरा टूर देने वाला हूँ कि आप कैसे पहुँच सकते हैं और क्या क्या मंदिर की विशेषताएं, क्या क्या हिस्ट्री मंदिर की रही है। एक जयपुर में एक अलग पहचान रखने वाला ये हनुमान जी का मंदिर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मागढ़ी में हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर जी। हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं जयपुर के एक सुप्रसिद्ध मंदिर खोले के हनुमान जी में आ चुका हूँ। एक वैष्णो देवी का मंदिर है, एक रंगीला महादेव जी का भी मंदिर है, तो मैं वो मंदिर भी आपको घुमाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों ये है मेन गेट खोले के हनुमान जी का, जिसके अंदर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर जाके मंदिर है। और अगर आप जयपुर से आते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट नगर की साइड से आएंगे आप इधर से, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं या आमेर की तरफ से आते हैं तो आप आएंगे इधर से। और ये देखिए आप आरती का समय भी देख सकते हैं यहाँ पे, कब से कब आरती होती है यहाँ पे, ये देखिए। तो आप जब भी आए आरती का टाइम अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हम वहां से आए थे उस गेट से, और ये इसका गेट है जहाँ से अंदर एंटर होना है, और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसी मूर्ति है, और मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। ऊपर आ रही है, और यहाँ पर गायत्री देवी जी का मंदिर भी है, ये देखिए आप देख सकते हैं, अंदर आ जाइए, देखिए ये गायत्री देवी जी का मंदिर है यहाँ पे। और अभी हम श्री राम जी के मंदिर भी है, वहां पे भी चल के आएंगे, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सीधे जाएंगे ऊपर श्री राम जी के मंदिर। ये है पूरा जो राम जी का मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितनी अद्भुत झांकी भगवान की है। तो अगर मैं बात करूं मंदिर के संस्थापक की, तो आप मेरे पीछे जिनका फोटो देख रहे हैं वो हैं पंडित श्री राधेलाल चौबे जी, जिन्होंने 60 के दशक में हनुमान जी की मूर्ति को इस निर्जन स्थान पर खोजा और उनकी पूजा करने लगे। तब से मंदिर धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होने लगा, और आज ही मंदिर की जो प्रसिद्धि है
वो ना तो आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से ट्रैवलर आते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। भक्तजन पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आके जो खोले के हनुमान जी हैं वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो मंदिर अभी मैं जो खड़ा हूँ वो श्री राम जी का मंदिर है, मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जो कितनी अद्भुत झांकी श्री राम जी की सजी हुई है। तो दोस्तों जयपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है खोले के हनुमान जी, अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर स्थित है, और यदि आप जयपुर जंक्शन से आते हैं तो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर खोले के हनुमान जी का मंदिर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर इसका मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ पर मुख्य द्वार है, वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ ये मंदिर स्थित है। तो दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे जिनकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं वहाँ पे ये रसोई है, वहाँ पे क्या होता है स्वामिनी वगैरह जो होती है वो यहाँ पे होती है। देख अभी हम चलने वाले हैं वैष्णो देवी के मंदिर, आप देख सकते हैं यहाँ से वो कितना ऊपर वो मंदिर आप दिखा दीजिए, देखिए वो झंडा वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हमको चलना है। और वहाँ पे हमको कैसे चलना है कि यहाँ से अंदर से एक रास्ता जाता है वहाँ से हम चलेंगे उस, देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, और जब वैष्णो देवी जाते हैं तो इस रास्ते से हमको ऊपर चलना पड़ता है। देखिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से डाल रहा हूँ। ये देखिए ये चढ़ाई है ना जो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, ये देखिए वो मंदिर रह गया और पीछे की तरफ ये रास्ता जाता है। तो दोस्तों अभी हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और पहले हमारी हालत जो है ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता तो बढ़िया बना दिया, पहले आए थे जब इतना अच्छा रास्ता नहीं था यहाँ पे, और पूरी खड़ी चढ़ाई यहाँ पर है, फिर भी एक अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर, ये देखिए सीधा अभी तो और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है वहाँ तक दोस्तों, अभी तो और ऊपर चलना है भाई, ये तो बहुत खतरनाक चढ़ाई हो गई आज तो, बहुत ज़ोर से सांस फूलने लग गई। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी आप मेरे पीछे वैष्णो देवी जी का मंदिर है, और मैंने अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा, बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर है। एक्चुअली मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, बट आप दोस्तों के साथ आएंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। आप दिखा दीजिए मंदिर, देखो अभी हम वहाँ से उस तरफ से आए थे वो मंदिर का रास्ता है, और देखिए आपको जो मेरे जस्ट पीछे दिख रहा होगा, देखिए वो दिख रहा होगा वो माता की अखंड ज्योत यहाँ पे 24 घंटे जलती रहती है। सकते हैं ये जा रहा है वैष्णो देवी के, और ये जंगल में अंदर जा रहा है, ये है महादेव जी का मंदिर है नीचे, और अभी हम चल रहे हैं महादेव जी के यहाँ पे,
और देख सकते हैं हम यहाँ पे जब हम यहाँ नीचे उतर के आए थे, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही थोड़ा सा रास्ता, बट देखिए यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये महादेव जी का मंदिर, घनी पहाड़ियों और जंगल के बीच में देखिए महादेव जी का मंदिर है। ये देखिए ये महादेव जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, वहाँ पे पहाड़ियों से हम नीचे उतर के आए थे, और देखिए यहाँ पे नज़ारा देखिए आप, बिल्कुल जंगल के अंदर ये महादेव जी का मंदिर है, और देखिए ये महादेव जी हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ मंदिर से हम नीचे चल रहे हैं, देख सकते हैं अभी हम कैसे रास्ते से नीचे उतर रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ जो खोले के हनुमान जी का मंदिर है वो इसी खोला, ये जो इसको हम खोला कहते हैं, ये खोला है पानी का, यहाँ पे बरसात में पानी वगैरह आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो खोले के हनुमान जी है ये खोला है पानी का, पानी का खोला मतलब पानी यहाँ से आता है बरसात के दिनों में और बिल्कुल नीचे जाके जमा होता है, तो इसी की वजह से जो हनुमान जी का नाम है वो इसी की वजह से रखा गया है खोले के हनुमान जी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैंने आपको खोले के हनुमान जी और जो वैष्णो माता के दर्शन कराए हैं, दिल से वीडियो बनाई है, पसंद जरूर आनी चाहिए आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, यहाँ पर लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी आ रहा होगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे से मैं ऐसी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, नमस्कार जय हिंद। तो अभी आपने मेरे दोस्त की फालतू की बकवास सुनी होगी, उसकी तो आदत है बकवास करने की, लेकिन वो सोच रहा है ये वीडियो मैं उसको दे दूंगा। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए उस वीडियो के मुझे कितने रुपए लेने चाहिए, ठीक है करूं? और चलो हाँ हाँ चलो चलो यही है रास्ता, चलता फिर ये आप। मैं कह रहा हूँ कंगे को